धनबाद को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में चलने वाली सभी ऑटो के लिए रूट तय कर दिया है और जिन ऑटो को परमिट दी गई है उन्हें एक QR कोड भी दिया गया है। इस QR कोड स्टिकर में ऑटो के रूट के साथ साथ अन्य जानकारियां भी होंगी जो QR को स्कैन करते ही सामने आएंगी। इस दौरान चालकों को कई निर्देश दिए गए। चालकों को अब अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो के सभी कागजात रखने होंगे। चालकों को निर्धारित ड्रेस पहनना होगा। वहीं परमिट के लिए 1800 ऑटो संचालकों ने आवेदन दिया था जबकि जिला प्रशासन ने पहले 1300 ऑटो को ही चलाने का निर्देश दिया था, बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 1500 कर दी गई। आज भी कई ऑटो मालिक कागजात ठीक कराने के लिए DTO ऑफिस पहुंचे और कागजात सही करवाने में जुटे रहे। वहीं ऑटो चालकों का कहना है कि रूट निर्धारण करने से सैकड़ों ऑटो मालिक भुखमरी के कागार पर आ जाएंगे। चलाने वाला का चालक का बहुत परेशानी करता है, प्रशासन, यूनियन, रोड में पब्लिक, भाड़ा के लिए भी, सब चीज के लिए। और इसमें है भी का अभी कागज पत्र, कोरोना का काल चल रहा है, कागज पत्र फैल हो गया है। कोरोना जो 3 महीना पहले वाला था उसी में फैल हुआ, अभी तक जो बनाने नहीं सका है, बन नहीं पा रहा है किसी से। और भी है जो कि चालक चलाने वाला है उसको जहाँ तहाँ रोकता है, रोकने की जगह नहीं दे रहा है, प्रशासन उठा के ले चल जाता है थाना, उस पर कार्रवाई करता है, कागज़ देखता है, कागज़ मांगता फैल नहीं रहता है, मनमानी फैल कर देता है। हम लोग को ये कहना है भैया कि 400 गाड़ी अगर पास कर देते हैं झरिया रूट में और कम से कम 1000 गाड़ी से ज़्यादा है तो वो सब गाड़ी कहाँ चलेगा, उसका भी कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। मान लीजिए किस रूट में चलना है, नहीं चलना है, अब हमारा पेपर हो गया तो हम चला लेंगे, जिसका पास पेपर नहीं वो कहाँ जाएगा। अभी कोरोना काल में आदमी खा नहीं सक रहा है, कोरोना काल में आदमी खा नहीं सक रहा, अब उसको बोलेगा कि 40,000 लगा के पहले पेपर बनाइए फिर झरझरिया रूट लीजिए, चाहे गोविंदपुर का रूट लीजिए, वो रूट कहाँ से ले सकेगा। अभी आदमी के पास खाने के लिए 100-200 कमा रहा तो रूट कहाँ से खरीदेगा, पहले रूट खरीद ले सकेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।